हमारी इधर बहस हो रही है कि हम जिला जाएं या यहाँ के स्ट्रीट फूड जाएं। मुझे समझ नहीं आती जिले के खाने में ऐसा क्या है। मतलब उसकी वीडियोस देख के इतना दिल खराब होता है, इतना ऑयल, इतना अनहेल्दी खाना। मतलब ठीक है देसी घी डाल रहा, खाली से समझ लगती है, लेकिन इतना घी तो हम इधर से ही कुछ जो यहाँ का फेमस होगा। जिला नहीं जाना भाई, तुम जा रही हो जिला? हम जा रहे नहीं, जा रहे हम नहीं जा रहे जिला। तुम लोगों को मेरी असलियत पता लग गई, प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना। तो यार सबसे पहले हम गए थे गुलशन रावी के ब्रेकआउट फैक्ट्री आउटलेट में। तुम लोग को पहले ही बता दूं, इस ब्रेकआउट पे तुम लोग को एवरी सिंगल डे 75% ऑफ मिलेगा। अगर तुम लोग दूसरे आउटलेट पे जाते हो तुम लोग को वहाँ पे हर सिंगल डे 75% ऑफ नहीं मिलता। इवन के ऑफ सीजन आर्टिकल्स पे भी तुम लोग को उधर 75% ऑफ नहीं मिलता। तो यहाँ गुलशन रावी का जो ब्रेकआउट का फैक्ट्री आउटलेट है ये काफ़ी चीप है। जब से हमें इस फैक्ट्री आउटलेट का पता लगा हम किसी और ब्रेकआउट पे नहीं गए, क्योंकि जाहिर है हर किसी को शौक होता है पैसे बचाने का। हाँ अगर तुम लोग के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा आया तो उड़ाओ जिस तरह मर्जी, अगर तुम लोग को बचत करनी है थोड़ी सी तो डू विजिट ये वाला ब्रेकआउट। हेलो मैनर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई एम सॉरी मैंने घर इंट्रो नहीं बनाया क्योंकि हम बहुत रश में निकले थे घर से। अभी हम ब्रेकआउट से आए हैं, अभी हम जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट, तो लिबर्टी जाके मिलते हैं। हमें इधर आते आते शाम हो गई है और हमें उधर इतना टाइम लग गया गुलशन रावी, अब हम इधर आए हैं। अब मैं हम सोच रहे हैं कि हम लिबर्टी की कोई फेमस चीज़ ट्राई करें, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कि हम क्या चीज़ ट्राई करें क्योंकि शायद हम इधर आते नहीं है इतना। अच्छा अभी हमने लिए ये स्वीट मैजिक कॉर्न यहाँ से। एक स्वीट कॉर्न सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है और लेमन का फ्लेवर नहीं आ रहा। तुमने लेमन फ्लेवर दिया, सिर्फ मिर्ची का फ्लेवर आ रहा है। गंदी केचप वाली फ्राइज, ये रही हमारी गंदी केचप वाली फ्राइज। यार ये जो फ्राइज का टेस्ट है घर क्यों नहीं आता? मतलब घर भी अच्छी बनती है लेकिन ऐसी नहीं बनती जो पता है, जितना खाना ग्लीज होता है ना उतना लजीज बनता है, यहाँ से मुझे ही लगता है। अगर मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बताया तो मैं लिबर्टी फर्स्ट टाइम गई थी। हाँ अगर बाकी बाजारों से इसका एनवायरनमेंट कंपेयर करो तो थोड़ा सा बेहतर था, माहौल भी अच्छा था, माहौल बना भी हुआ था। कोई एक दूसरे से नाराजगी दिखा रहा था तो कोई आशिकी दिखा रहा था। ट्राउजर के साथ एक टॉप मैच करना था, आई डोंट नो इफ इट्स एनम और एनम। यहाँ पे काफी बड़ी मेकअप सिटी थी, हमारी यहाँ पे नहीं आ सकना, हेयर डाई लिया था और हम लिबर्टी से बाहर आ गए थे। फिर हम गए थे कराची रेड रॉक, जिसमें से कराची का के ए और रॉक की सी की बत्ती गुल हुई हुई थी। इनका किचन इनडोर था, मैं कुछ शॉर्ट्स लेना चाह रही थी। उन्होंने मुझे बाहर बारबेक्यू का ये वाला शॉर्ट लेते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा अंदर आ जाओ। नॉर्मल भी किसी भी रेस्टोरेंट का इंडोर किचन हो तो चीज की परमिशन ही देते, लेकिन कॉन्फिडेंटली अंदर लेके गए थे कि आके शूट कर लो। और अंदर किचन में इतनी गर्मी थी, मेरा सल्यूट है उन लोगों को, अंदर वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में, और भी रेस्टोरेंट में जो भी किचन में काम कर रहे हैं, यार हिम्मत है तुम लोगों की। अच्छा लिबर्टी से थोड़ा दूर था कराची रेड रॉक, तुम लोगों को मेन्यू दिखा दूं, तुम लोग पागल हो जाओगे। इतना बड़ा मेन्यू क्या डिसाइड करें इसमें से यार। हमने इनका लिया था स्पेशल फजीता पिज़्ज़ा और स्पेशल चिकन चीज़ रोल। अगर बात करो पिज़्ज़े की तो पिज़्ज़े की डो काफ़ी अच्छी थी, जैसे डोमिनोज के पिज़्ज़े की क्रस्टी थिन डो होती है, इनकी डो वैसी थी। अगर आप लोग इनका पिज़्ज़ा खा रहे हो तो पिज़्ज़े को ज़्यादा वेट मत करवाओ, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश ठीक है लेकिन थोड़ा सा वेट करवाओगे तो थोड़ा वेट सा टेस्ट देगा, लेकिन ओवरऑल आप थोड़ी प्राइस में अच्छा पिज़्ज़ा यहाँ से खा सकते हो। पर्सनली मुझे इनका चिकन चीज़ रोल काफ़ी अच्छा लगा था, फिलिंग की अमाउंट और टेस्ट दोनों ही बहुत आउट क्लास थे। ओके गाइस हमने खाना खा लिया, हम घर जाने लगे हैं और हम लोग को ज़्यादा खा लिया और हमारे पेट में दर्द हो रहा है, मजाक कर रही हूँ। आई होप यू गाइस एंजॉय इट, सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तुम लोग वीडियो देखे बगैर ऐसे ही भाग जाते हो, यहाँ देखते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।